जिज्ञासु मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और लाइव चर्चा का कार्यक्रम आज का जो विषय है विषय है साक्षी भाव नाद ध्यान और साक्षी भाव तो नाद ध्यान होना और साक्षी भाव होना क्या यह एक ही विषय है या फिर हम नाद ध्यान करेंगे तो क्या साक्षी भाव आ जाएगा तो किसी महानुभाव ने यह प्रश्न किया कि मुझे तो साक्षी भाव चाहिए सूर्यावस्था चाहिए तो फिर ये नाद ध्यान क्या जरूरी है उसके लिए अच्छी बात है कि तूर्य अवस्था चाहिए लेकिन साक्षी भाव आना सूर्य का स्थापित होना क्या है ये पहले समझना पड़ेगा और नाद ध्यान होना क्या है जब आप भोजन करते हो खाना खाते हो जब आप भोजन करते हैं खाना खाते हैं तो उससे दो लाभ आप उठाते हैं भोजन से आप दो प्रकार के लाभ उठाते हैं जो आप भोजन करते हैं कौन से दो प्रकार के लाभ आप उठाते हैं एक लाभ आप ये उठाते हैं कि भोजन से आपका पेट भरता है और आपके शरीर का पोषण होता है आपका पेट भरता है और आपके शरीर का पोषण होता है और दूसरा लाभ आप ये उठाते हैं कि आप भोजन के स्वाद का आनंद उठाते हैं आप भोजन के स्वाद का आनंद उठाने लग जाते हैं ये दूसरा लाभ है लेकिन भोजन पेट में पहुंचे तो वो मुख से होकर जिहवा से होकर स्वाद हमें देते हुए पेट में पहुंचती है। और स्वाद का बड़ा महत्व है स्वाद का महत्व क्या है स्वाद से एक तो हमें आनंद की अनुभूति होती है स्वाद से एक तो हमें आनंद की अनुभूति होती है दूसरी बात कि स्वाद से हमें यह भी पता चलता है कि भोजन की जो भी हम खा रहे हैं उस वस्तु की क्वालिटी क्या है उसकी गुणवत्ता क्या है भोजन स्वादिष्ट है इसका मतलब शरीर उसे ग्रहण करेगा प्राकृतिक रूप से यह बात कही जा रही है अप्राकृतिक रूप से कुछ भी हो सकता है वो एक अलग बात है भोजन का स्वाद भोजन की गुणवत्ता का भी प्रमाण देता है क्वालिटी ऑफ फूड इज गुड इसलिए बासी खाने का स्वाद और ताजे खाने का स्वाद अगर फल कच्चा है तो आपको स्वाद नहीं आएगा पका हुआ है तो आपको स्वाद आएगा इसका मतलब पका हुआ जो फल है वो हमारे लिए ठीक है वो डाइजेस्टेबल है नेचुरली डाइजेस्टेबल है उसको पकाने की जरूरत भी नहीं है उसे पकाने की जरूरत भी नहीं है बाई नेचर वो डाइजेस्टेबल है हमारे द्वारा इसीलिए मनुष्य का मुख्य भोजन तो फल ही है फल है फल इसको कहा जाता है फ्रुजीवरस तो ह्यूमन बींग्स आर फ्रुजीवरस अर्थात फलाहारी जीव है ऐसा भी कहा जाता है तो फल हम प्रकृति से सीधा लेते हैं और बिना प्रोसेस किए भी हम उसे खा लेते हैं उसका स्वाद हमें मिलता है अद्भुत स्वाद अगर सीजनल फल हम खाएं तो हमें अद्भुत स्वाद की प्राप्ति होती है तो स्वाद का मिलना भी जरूरी है और स्वाद मिलेगा ही मिलेगा ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलेगा खाना खाओगे तो स्वाद भी मिलेगा और वो पेट में जाएगा पचेगा तो शरीर को पोषण भी मिलेगा शरीर को जरूरी तत्व भी प्राप्त होंगे लक्ष्य तो वही है स्वाद तो बस बीच में है लेकिन स्वाद है जरूर स्वाद तो बस बीच में है लेकिन स्वाद है जरूर लेकिन स्वाद मिलना और शरीर का पोषण होना ये दो अलग अलग बातें हैं जो कि एक ही क्रिया में आपके साथ हो रही हैं और वो क्रिया क्या है भोजन करना जब आप खाना खाते हो भोजन करते हो तो दो बातें एक साथ हो रही हैं कि आपको स्वाद भी मिल रहा है और आपका पेट भी भर रहा है संतुष्टि भी मिल रही है पेट भरेगा तो संतुष्टि भी मिलेगी और जब पेट भर जाएगा तो आपका यह अनुभव होगा कि पेट भर गया आपका यह अनुभव होगा कि पेट भर गया आई एम ऑन दी राइट प्लेस अब फिर कोई आप आपको कहे कि अरे भाई नहीं नहीं तुम्हारा पेट वेट नहीं भरा है आप मान लोगे जी नहीं आपने भोजन किया है आपको पता है मेरा पेट भर गया कोई कहे कि नहीं नहीं सर्टिफिकेट दिखाओ पेट भरा है कि नहीं भरा है सर्टिफिकेट दिखाओ पेट भरा है कि नहीं भरा है तुम्हारा लगा सर्टिफिकेट की क्या जरूरत मुझे पता है मेरा पेट भरा है मुझे पता है कि भाई मेरा पेट भर गया अब मैं और नहीं खाऊंगा भोजन बड़ा स्वादिष्ट था पेट भर गया बात खत्म ठीक है तो साक्षी भाव जब ध्यान करोगे शास्त्रों के अनुसार जब ध्यान करोगे और ध्यान की सही प्रक्रिया से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें घट में ज्योति भी दिखाई देगी तुम्हें नाद भी सुनाई देगा और फिर तुम साक्षी अवस्था को भी प्राप्त कर लोगे तुरिया अवस्था को भी प्राप्त करोगे ये सारी बातें होंगी इसमें यह बात नहीं है कि मुझे तो साक्षी अवस्था को प्राप्त करना है सूर्या अवस्था को प्राप्त करना है तो क्या नाद ध्यान में करूं या ना करूं अरे नाद ध्यान कोई जबरदस्ती वाली चीज भी नहीं है सही विधि से अगर भीतर उतरोगे अंतर्मुखी हो जाओगे सही तरीके से तो ये चीजें आएंगी आएंगी ये चीजें आएंगी आएंगे इनका अनुभव होगा होगा नहीं होने का प्रश्न नहीं है और फिर यही आपको ले जाएंगी उस तुरिया और तुरिया तीत की अवस्था में अब साक्षी भाव भी दो प्रकार की तुरिया अवस्था बताई गई है शिव सूत्र में हमने ये सुना कि दो प्रकार की तुरिया अवस्था बनती है और वैसे देखें तो तीन प्रकार की बनती है एक बनती है मानसिक और वैचारिक स्तर पे आपको शिक्षा दी गुरुजी ने किसी गुरुजी ने आपको बताया कि भाई संसार के प्रति निष्काम रहो साक्षी भाव निष्काम रहने का मतलब क्या है साक्षी भाव होना साक्षी भाव होगा तभी तो निष्कामता आएगी और यही तो कृष्ण को कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यह जो निष्कामता है सांख्य योगियों के अंदर स्वभाविक होता है स्वभावश होता है मतलब कि उन्हें निष्काम कर्म करने की कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती कोई मेंटल प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता कि निष्काम कर्म करना है या साक्षी भाव रखना है संसार के प्रति उन्हें कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती ध्यान की अवस्था से स्वतः ही ध्यान करने से स्वत ही वैसी अवस्था बन जाती है। अब ध्यान करने से दो अवस्थाएं बन सकती हैं एक तो आपकी आपका जो साक्षी भाव वाली अवस्था है वो जब आप ध्यान में बैठे हैं तभी तक रहेगी ये पहली तभी तक वो विद्यमान रहेगी जब आप ध्यान में बैठे हैं तो।, तो ध्यान में जब हम बैठते हैं तो एक अवस्था है जिसको कहते हैं सविकल्प समाधि सविकल्प या संप्रज्ञात उस अवस्था में संसार की प्रज्ञा बनी रहती है लेकिन सम्यक रूप से बनती है समभाव से बनती है समभाव से बनने के कारण उस जो भी बाहरी विचार या बाहरी अनुभूतियां हैं मन की वृत्तियां हैं उनके प्रति रति नहीं होती रति नहीं होने का मतलब कि उनके प्रति राग नहीं होता अनुराग नहीं होता योगी का उनमें उसके मन का बहाव नहीं होता अगर उसे बाहर की कोई आवाज भी सुनाई दे तो बस सुनाई दी बस उससे उसका कोई रिएक्शन उसके अंदर नहीं होता जैसे कि पानी में अगर पत्थर डालोगे तालाब है मान लो कि वो तालाब कश्मीर में है और महीना है दिसंबर का आखिरी दिसंबर के तारीख है जनवरी का पहला सप्ताह है और वह जो तालाब है वह लद्दाख में है आजकल कश्मीर छोटा हो गया है लद्दाख बड़ा हो गया है तो वहां पर है तो क्या होगा फिर वो ठंड के मौसम में बर्फ जम जाएगी वहां पर बहुत सारी नदियां हैं आप जाओगे लद्दाख में उधर हिमालय में बहुत सारी नदियां जम जाती हैं बर्फ हो जाती है तो अगर पत्थर मारोगे तो क्या होगा कोई तरंग पैदा होगी कोई तरंग पैदा नहीं होगी लेकिन जब वही पिघल जाएगा पानी हो जाएगा पत्थर मारोगे तो वो कई तरंगों को पैदा कर देगा कई तरंगों को पैदा कर देगा तो सविकल्प अवस्था में योगी ऐसी अवस्था में चला जाता है कि उसे उसे जो है सविकल्प ध्यान में सविकल्प समाधि में ऐसी अवस्था में चला जाएगा कि बाहर के किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा पर हर वस्तु के प्रति एक साक्षी भाव होगा और निष्काम हो जाएगा तो पहले यह अवस्था उसके मात्र ध्यान में बनेगी ध्यान की वजह जितना देर बैठेगा बस उतने देर के लिए रहेगी उसके बाद और परिपक्वता आ जाने के बाद वो चलते फिरते भी उसका ध्यान बना रहेगा संसार का कर्म करते भी उसका ध्यान बना रहेगा और जब उसका ध्यान बना रहेगा ये बड़ी स्वाभाविक सी चीज है जो लोग तीन चार महीने तक सिर पर टोपी पहनने की जिनकी आदत है अगर वो टोपी पहनना बंद कर दे तो उनके उनको कई बार महसूस होगा जैसे कि सिर पर टोपी अभी भी है सिर पे टोपी अभी भी है अगर तीन दिन तक ट्रेन की यात्रा कर लो जो लोग लंबी लंबी यात्राएं करते होंगे जिनके पिताजी या, या वो स्वयं ऐसे नौकरी करते होंगे जहां ट्रांसफर होता होगा काफी लंबी लंबी दूरी पर कभी जम्मू कभी आसाम कभी कन्याकुमारी तो वो लोग लंबी लंबी ट्रेन से यात्रा करते थे तो अगर आप दो दिन तीन दिन लगातार ट्रेन से यात्रा करोगे और यात्रा करने के बाद जब वहां जाओगे और आप हमेशा अगर यात्रा करने वाले व्यक्ति नहीं हो तो जहां पर आप ठहरोगे या आपका घर हो चाहे कहीं पर हो जब आप वहां जाओगे तो आप जहां भी बैठोगे कुर्सी पे बैठ गए तो आपको लगेगा जैसे कि आप हिल रहे हो अभी भी आप ट्रेन में ही हो बेड पर लेटोगे तो आपको हिल लगेगा कि अभी भी हिल रहा अभी भी शायद ट्रेन में है क्या ऐसा क्यों होता है यह मन की अवस्था अगर ये बात समझ में आ गई कि माइंड का नेचर क्या है वट इज द नेचर ऑफ माइंड सच पूछो तो मन के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता मन के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता मन उस चीज को स्वीकार कर लेता है जिसका उसे अभ्यास दे दिया जाता है जिसका उसे अभ्यास दे दिया जाएगा मन उस चीज को स्वीकार कर लेगा अगर गलत चीजें पकड़ा दी गई मन को तो मन गलत आदतों को पकड़ लेगा अगर अच्छी चीजें मन को पकड़ा दी गई तो मन अच्छी चीजों को पकड़ लेगा लेकिन समय लगाएगा तुरंत से नहीं पकड़ लेगा समय जरूर लगाएगा यह मन की कमजोरी है इसीलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं अभ्यास नु तो कौन ते वैराग्य अर्जुन तुझे अभ्यास करना पड़ेगा पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि लिखते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन बिना अभ्यास के बिना योग अभ्यास के बातें नहीं स्पष्ट होंगी कि आत्मा क्या तूर्या क्या ब्रह्म क्या शून्य क्या नहीं समझ में आएगा कुछ भी जब तक अभ्यास का वो स्तर नहीं होगा और उतना धैर्य रखना ये नहीं कि आज हम अभ्यास करना शुरू हुए और आज ही सारी हो जा सब कुछ हो जाएगा नहीं धैर्य भी रखना पड़ेगा कुछ बात हजम नहीं होगी कुछ बात समझ में नहीं आएगी तर्क से लॉजिक से हाँ, तर्क का महत्व है लेकिन एक सीमा तक जब षड दर्शन पे चर्चा शुरू होगी शर्त दर्शन पे कोर्स आएगा कोर्स जब वो आएगा तो उसमें व्हाट इज लॉजिक सही से बताया जाएगा तर्क है क्या चीज तो मात्र तर्क से संभव नहीं है जैसे कि तर्क से भोजन का स्वाद भी तो नहीं आएगा धन धन कहे धनी जो होए तो निर्धन रहे ना कोई आदि गुरु शंकराचार्य विवेक छोड़ा मनी में लिखते हैं ना गच्छति बिना पाणम व्याधिर औखध शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभव ब्रह्म शब्द है बिना औषधि के औषधि का नाम लेने से बीमारी दूर नहीं होगी किसी को फीवर हो गया तो पैरासेटामोल पारा सेटामोल बोलने से नहीं बीमार बुखार खत्म हो जाएगा खाना पड़ेगा तो प्रैक्टिकल प्रोसेस से निकलना पड़ेगा तो जब हम ध्यान करेंगे तो फिर अपने आप ऐसी अवस्थाएं बनती हैं जहां हमें ज्योति दिखाई देती है नाद सुनाई देती है और फिर हम तुरिया अवस्था तक भी पहुंचते हैं स्वाभाविक रूप से जो तुरिया है जो हमारे स्वभाव में आ जाए स्वभाव में साक्षी भाव हमारा प्रकट हो जाए नाकी जबरदस्ती या मानसिक रूप से ठीक है तो हमें यह इस इस विषय को समझकर इस पर विचार करना होगा तो इसीलिए साक्षी भाव में जाना है ठीक है लेकिन नाद ध्यान करना यह एक प्रक्रिया है यह एक प्रोसेस है जब आप सही तरीके से अंतर्मुखी होते हैं तो आपको आप ऐसी अनुभूतियों से गुजरते हैं जब ऐसी अनुभूतियों से गुजरेंगे तो नाद होना ज्योति दर्शन होना ये चीजें तो होती ही हैं इसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं हाँ सही तरीके से ध्यान करने की जरूरत है ऐसा नहीं कि जो ध्यान करता है उसे हो ही जाती हैं तुरंत हो जाती हैं हो सकता है काफी अभ्यास करने के बाद कुछ अनुभूतियाँ आए तुरंत ही आ जाए सही तरीके से ध्यान योग का जो कोर्स चलता है यदि आप करते हैं तो उसमें ऐसी विधियाँ ऐसे अभ्यास कराए जाते हैं कि शीघ्र ही आपको ऐसी अनुभूतियों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाए शीघ्र ही आपको ऐसी अनुभूतियां मिलनी शुरू हो जाए अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है तो बिना अभ्यास की प्रक्रिया और बिना उससे जुड़े वो उस सारी बातें संभव नहीं है तो इसीलिए इस विषय को इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है तो चलिए आपके विचार भी देखते हैं आप पे कमेंट भी देखते हैं तो मुख्य विषय जो था नाद ध्यान और साक्षी भाव ये दोनों विषय स्पष्ट हो गया यह दोनों एक ही क्रिया के अंतर्गत है अलग अलग चीज नहीं है अनुभूतियां आएंगी आती हैं योगियों के अनुभव हैं और जो भी करता है उन सबके अनुभव हैं और साक्षी भाव भी आ जाएगा फिर तुरिया भी आ जाएगा तुरिया तुरिया जीवन रहेगा फिर फिर तुरिया तुरिया जीवन रहेगा कोई सूफी ऐसे फकीर हुए थे फरीद के नाम से उनका तुरिया तुरिया ऐसे आता है तो कुछ सूफियों ने यहां की बातें ले ली या चुरा ली आत्मज्ञान की बातें उनमें जो सही थे उन्होंने सही प्रचार किया और जो मात्र बस जिनको सिर्फ बातों से मतलब था उन्होंने उन बातों का इस्तेमाल किया लेकिन जो ये तुरिया शब्द है यह संस्कृत का शब्द है अब तो कितना हो चुका शिवसूत्र में कितनी बार तुरिया शब्द आ गया मांडो के उपनिषद मांडव के कार्य का पहले भी कितनी बार चर्चा हो चुकी है चलिए ठीक है, है आगे बढ़ते हैं पवन कुमार गुप्ता जी बहुत अभिनंदन है आपका नवजोत नाथ जी विनोद कुमार सूद जी अवनी प्रधान शिखर शर्मा जी शंकर प्रसाद जी अमन कक्कर जी अर्जुन भाई रमेश पेशवानी जी श्वेता राय सिन्हा जी बहुत अभिनंदन आप सभी का नरसाराम जी माधुरी कोले जी राम गोपाल राजू पाल, उषा श्रीवास्तव सतीश कुमार प्रीता कुमारी विष्णु चंद्र मौर्य प्रणाम आचार्य जी क्या ऑफलाइन कोर्स एज सेवेंटी सेवन ऑफलाइन कोर्स की अभी कोई जानकारी नहीं है होगा तो आपको बताया जाएगा अभी कुछ भी फाइनल नहीं है हाँ लेकिन होगा नहीं ऐसा भी नहीं है शुरू तो होगा कुछ कारणों से देर हो रही है कुछ जरूरी औपचारिकताएं हैं जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है जो तो कि ऑफलाइन कोर्स के लिए है और होगा तो जरूर ऐसा नहीं कि नहीं होगा नहीं तो ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए उसका लाभ उठाइए लेकिन कब शुरू होगा अभी अनिश्चित है अभी अनिश्चित है कि कब शुरू होगा ऑफलाइन कोर्स क्योंकि तो ऑफलाइन देखिए यहां पर तो ऑनलाइन तो चल जाता है कंप्यूटर के माध्यम से हम जहां बैठे हुए हैं वहीं से ही वहीं पर हम बैठकर ऑनलाइन में ध्यान साधना सिखा देते हैं लोगों को लेकिन जब ऑफलाइन करेंगे तो लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था हॉल की व्यवस्था और दूसरी कई तरह की फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं औपचारिकताएं आ जाती हैं वो ऐसा नहीं हो जाएगा आसानी से ठीक है तो ये भी संभावना बन जाती है आपके लिए बता देते हैं अभी वैसे कोई हमने निर्णय नहीं लिया है अभी तक यही निर्णय है कि ऑफलाइन कार्यक्रम में जो कार्यक्रम में जो ध्यान योग है ध्यान योग का जो दक्षिणा है उसका जो शुल्क है वो उतना ही रहेगा यही हमारी इच्छा है कि उतना ही रखा जाएगा लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि जहां पर शुल्क को बढ़ाना पड़े ऑफलाइन करने के लिए क्योंकि तो ऑफलाइन करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ी अब एक भाई साहब ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि मैं ऑफलाइन कोर्स करूंगा आप खर्चा बताइए रहने खाने क्या खर्चा आएगा सबका पहले हम रहने खाने की व्यवस्था करेंगे तब तो आपको बताएंगे खर्चा और किसी एक आदमी के लिए तो नहीं करेंगे मान लीजिए हम ऑफलाइन प्रोग्राम की व्यवस्था करते हैं रहने खाने की हम व्यवस्था करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए तो नहीं होगा ना ये सब आप खुद इस बारे में विवेकशील हैं ठीक आप खुद समझ सकते हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए तो होगा नहीं होगा तो समूह के लिए होगा हाँ ऑनलाइन कोर्स तो किसी एक व्यक्ति को भी हम दे देंगे लेकिन वहां पर जब हम होगा किसी मान लीजिए कि कोई स्थान अगर निश्चित किया जाएगा तो वहां पर जब होगा तो पहले एक स्थान था लेकिन ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने वालों की पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में कुछ लोगों ने ऑफलाइन कोर्स किया था उसमें दो तीन लोग दिल्ली से भी आए थे वो पटना में हुआ था कंडक्ट हुआ था लेकिन उसके बाद ऑफलाइन ज्वाइन करने वालों की कोई फ्रिक्वेंसी अच्छी नहीं रही और कोरोना का फैलना घटना ये लगा रहा था तब तक, तक अब जाकर लग रहा है कि भाई अब दोबारा उस तरह से नहीं फैलेगा ठीक है तो वो सब सारी चीजें थी परिस्थितियां थी तो ये उसमें कई जब आप ऑफलाइन कोर्स बोलते हैं तो ऑफलाइन का मतलब भी आप समझिए इसीलिए मैंने आपको आज ये बता दिया तो बहुत सारी दूसरी चलिए किसी स्थान का निश्चित होना निश्चित नहीं होना वो सब बाद की बातें हैं लेकिन दूसरी भी कुछ जरूरी औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा करना है वो भी हो जाएंगी तो ऑफलाइन कोर्स जरूर शुरू हो जाएगा और ये निश्च, ये निश्चय है कि शुरू जरूर होगा ये सौ प्रतिशत डिफिनिट है कि स्टार्ट जरूर होगा और बहुत अच्छे से शुरू होगा बहुत अच्छी तैयारी के साथ शुरू होगा ठीक है तो ऑफलाइन कोर्स जरूर शुरू होगा लेकिन फिलहाल अभी तुरंत तो नहीं शुरू होने वाला है कम से कम लग रहा है जहां तक सितंबर या अक्टूबर तक तो नहीं हो पाएगा शायद हो सकता है कि दिसंबर आते आते शुरू हो जाए नवंबर आते में शुरू हो जाए लेकिन उसके लिए प्रयास चल रहा है उसके लिए कार्य चल रहा है ठीक है ताकि उसको बढ़िया से किया जा सके तो अब मुझे लगता है कि आप जब ऑफलाइन शब्द आप बोलते हैं तो आप ऑफलाइन का मतलब भी समझते हैं ठीक है कहने मात्र से नहीं हो जाता है ऑफलाइन तो इसीलिए क्योंकि ऑफलाइन में कई व्यवस्थाएं बनती हैं और उन व्यवस्थाओं के लिए सिर्फ पैसा हो जाने से भी नहीं हो जाता कि मान लीजिए कि पैसा खर्च कर दें उससे भी नहीं हो जाएगा काम करने वाले कार्यकर्ता लोग भी चाहिए ठीक है हां ऑनलाइन कोर्स में सिर्फ पैसा खर्च कर दो कुछ व्यवस्थाएं आप कर लो लैपटॉप कर लो कैमरा कर लीजिए आप तो उसके माध्यम से ऑनलाइन कोर्स हो जाता है अगर कोई आपको सहयोग करने वाला ना भी हो तो भी हो जाता है लेकिन ऑफलाइन कोर्स में धन भी लगेगा और मैन पावर भी लगेगा लोग भी चाहिए ये सारी चीजें हैं ऑफलाइन खूब किए हैं पहले भी मैंने किया है ऑफलाइन जब ऑनलाइन नहीं करते थे तब भी किया है कहीं कहीं पर ठीक है तो ये सारी चीजें आप जब भी आप ऑफलाइन के लिए लोग पूछते रहते हैं तो इसलिए मैंने बता दिया कि ये सारी चीजें एक हैं जिनकी पूर्ति में हम लगे हुए हैं ऐसी बात नहीं कि उसके उसके बारे में विचार नहीं किया जा रहा है विचार किया जा रहा है और उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है ठीक है अभी किसी को हम नहीं कहते कि भाई कोई सहयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता अभी हम कहेंगे भी नहीं जब समय आएगा तो हो सकता कि कुछ लोगों को कहा भी जाए कि भाई या आप अपने शहर में ऑफलाइन करवाएंगे कोई भी करवाना चाहे सामने आ सकता है लेकिन अभी हम खुद ही नहीं करेंगे तो हम क्यों आपको कहेंगे कि करवाओ ऐसे भी लोग हैं कि जो कहेंगे ठीक है आप आइए हमारे शहर में आइए हम ऑफलाइन प्रोग्राम करवा देंगे हम अरेंजमेंट करवा देंगे ठीक है लेकिन अभी हम उसके लिए भी तैयार नहीं हैं तो यह भी एक है तो जरूर लेकिन पूरी उसकी तैयारी है और संभवतः दो तो तीन महीने में या इस वर्ष के अंत तक ऑफलाइन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और जब शुरू होगा तो कोशिश रहेगी कि लगातार वो चलता रहे कहीं ना कहीं चलता रहे किसी ना किसी शहर में और पूरे देश भर में होगा पूरे देश भर में होगा ऐसा नहीं किसी एक जगह में होगा कभी दिल्ली में होगा कभी मुंबई में होगा कभी पूना में होगा कभी देहरादून में होगा जगह जगह है स्थान है कहीं कहीं पर यह कार्यक्रम चलाने की कोशिश चलती रहेगी ठीक है तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है प्रारंभ जरूर होगा लेकिन प्रतीक्षा कीजिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए ठीक है जिनको ऑफलाइन ही करना है नहीं तो ऑनलाइन से भी आप पूरा लाभ उठा सकते चले फिर माय स्टडी रतन सिंह जी बहुत अभिनंदन है अजीत भाई पटेल राम प्रकाश जी रूपलाल विश्वकर्मा विष्णुचंद्र मौर्या भाग ले सकता हूं ऑफलाइन में जी हाँ जब हो जाएगा तो लीजिएगा ऑफलाइन होगा तो फिर एक और एक और सूचना देते है, हैं कोशिश रहेगी हमारी कि बाहर क्योंकि हर बार जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जब से शुरू हुए हैं हर बार इस कोर्स को कई लोग ज्वाइन करते हैं जो बाहर से होते हैं ऑस्ट्रेलिया से होते हैं अमेरिका से होते हैं इंग्लैंड से होते हैं दुबई से होते हैं तो कई अलग अलग कंट्री से भी लोग हैं जिन्होंने ये कोर्सेज ज्वाइन किया हुआ है ठीक है बड़े लेवल पर तो फिर संभवतः ऐसा भी होगा कि फिर बाहर में भी ऑफलाइन प्रोग्राम्स स्टार्ट होंगे उसके भी उसके बारे में भी सोचा जा रहा है तो उसके लिए आप अभी निश्चिंत रहिए सही समय का समय की आप भी प्रतीक्षा कीजिए कि हम कुछ प्रिपरेशन कर कुछ तैयारी कर कर कुछ निश्चित करकर आपको कुछ बताएं ठीक है तो थोड़ी जिनको ऑफलाइन ही मात्र करना है नहीं तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं ऑनलाइन चल रहा है और ऑनलाइन में भी लोग अच्छे से करते हैं बहुत लाभ उठाते हैं लेकिन फिर भी इस बात का फर्क जरूर पड़ता है कि आप आमने सामने बैठ के करते हो तो थोड़ा सा फर्क इसीलिए जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन कोर्स किया है कई बार मैं उन लोगों से जाकर मिलता भी हूं अगर मेरे पास समय होता अभी तो मैं थोड़ा ज्यादा व्यस्त हूं लेकिन पीछे भोपाल गया इंदौर गया उसके पीछे महाराष्ट्र गया दिल्ली गया कई बार तो मैं लोगों से जाकर मिलता भी हूं ताकि आमने सामने लोग बैठे मिलकर बात करें तो एक अलग चीज भी उससे विकसित हो जाती है एक अलग कहने का मतलब एक अलग व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है एक अलग भावना भी बननी शुरू हो जाती है तो यह भी होता रहता है ठीक है ये विषय है तो इसीलिए आप इसके लिए प्रतीक्षा कीजिए थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए थोड़ा समय बीतने दीजिए फिर आपको एक पक्की सूचना जरूर मिलेगी ऑफलाइन कार्यक्रम की ठीक है कन्हैया कुमार जी गंभीर शाह जी स्मिता सावंत जी कमलेश कसेरा जी सविता नायक जलाराम रायका अजीत अपराजित रविंद्र मकवाना जी बहुत अभिनंदन है भरत छबलानी माई स्तरी सुवर्ण गायकवाड़ जी माई स्तरी जी सूर्य अवस्था और साक्षी भाव में क्या डिफरेंस है एक ही बात है तूरीय अवस्था में जो तीन अवस्थाएं होती हैं उनके प्रति साक्षी भाव आता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये इसे कहते हैं चतुष्पाद भागवत कथा में आप सुनते हैं कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुष्पदी भागवत का ज्ञान कराया अर्थात चेतना की चार अवस्थाएं तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे जो चौथा पाद है वो चतुष्पाद है उसी को तुरिया बोलते हैं उस अवस्था में जागरक स्वप्न सुषुप्ति के, के प्रति साक्षी भाव विकसित हो जाता है तो अवस्था का नाम तुरी तो अवस्था है उसमें जो घटना घटती है कि उसमें निष्काम भाव साक्षी भाव विकसित होता है यही चीज है उसमें डिफरेंस नहीं है सुनिधि तो पाठक जी बहुत अभिनंदन है मनीष यादव श्वेता कुमारी ब्रिजभान जटाधारी जी आशा रानी पिंटू वासवा अफंता प्रोडक्शन विमला शाह मिथिलेश सिंह सुवर्ण गायकवाड गुरु जी मेरे साथ आजकल ये होता है कि मैं श्री राम नाम का जब करती हूँ लेकिन अचानक वो बंद होकर अंदर से अपने आप ओम धोनी शुरू हो जाती है ठीक है बहुत अच्छी बात है ऑल इन वन अर्जुन पाटिल ब्रिजभान जटाधारी ब्रिजभान जटाधारी सही बात है मैं दिन भर टोपी लगाता हूं ऐसा होता है बिल्कुल होता है यही मन को समझना है कि मन किसी चीज को स्वीकार कैसे करता है वही जब ध्यान का अभ्यास हो जाएगा तो चलते फिरते संसार का काम करते हुए भी ध्यान जैसी अवस्था बनी रहती है और उसमें फिर निष्कामता रहती है ठीक है परिपक्वता रहती है फिर अठारह साल की एज में स्पिरिचुअल हीलिंग क्यों नहीं करना चाह करना चाहिए कर सकते हैं अगर बारीकी से स्पिरिचुअल हीलिंग के बारे में सब समझ लेते हैं तब ठीक है हाँ लेकिन हीलिंग थोड़ा सा मैच्योर लेवल के लिए होता है ये भी बात है लेकिन ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते हैं कर सकते हैं हाँ ठीक है ध्यान योग पहले कर लें हीलिंग बाद में कर लें हो सकता है कि दोनों एक साथ करें तो उतना ग्रहणशील ना बन पाए ठीक है तो ये चीज है ये तो ऐसी बात नहीं कि हीलिंग नहीं कर सकते कर सकते ऑल इन वन स्टडी विथ अवानिश चंद्रेश्वर पांडे निकेत कुमार जी नाद का अर्थ कंपन भी हो सकता है क्या वाइब्रेशन बोल सकते बिल्कुल है वो ठीक है लेकिन वो कोई बाहरी कंपन नहीं है हेमराज बैरवा आरती क्या है गुरु जी बताने की कृपा करें आरती आर्त भाव है आरती आपकी भावना है ठीक स्तुति है भाव से जब आप स्तुति करते हैं ज्योति के साथ तो फिर आरती होती है लेकिन जब मन मंदिर में ज्योत जल जाए मन मंदिर में ज्योत जला दो घट घट वासी रे ठीक है तो फिर ध्यान होता है बाहर आरती होती है विंदेश्वरी मिश्रा जी गंभीर शाह जी निकेत कुमार ऑनलाइन ध्यान में पैसा क्यों इतनी गिरी हुई करकट अच्छा इतनी गिरी हुई हरकत तो क्यों गिरी हुई हरकत के पीछे आप मत पड़िए क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं अपना ठीक है तो आप जो है अपना समय वस्त मत व्यस्त कीजिएगा ठीक निकेत कुमार जी ये दक्षिणा है दूसरी बात हम नहीं चाहते कि ध्यान योग कोई भी करने आ जाए हम ये नहीं चाहते ठीक हम चाहते हैं कि ध्यान योग वही लोग करें जो इच्छुक हैं थोड़ा थोड़ा इच्छुक हैं वही लोग ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करें दूसरे लोग ना करें यह भी एक कारण है दूसरा उसमें समय का दान है मेहनत है ठीक आप खुद समझ लीजिए कि क्यों है सासों पर ध्यान देना अच्छा है या मंत्र जाप श्वासों पर ध्यान देना भी एक मंत्र जाप है श्वासों पर ध्यान देना भी एक प्रकार का मंत्र जाप है लेकिन अति सूक्ष्म मंत्र जाप है अति सूक्ष्म मंत्र जाप है उसकी सूक्ष्मता अधिक है तो यदि आप बिगनर हैं अगर आप ध्यान की शुरुआत कर रहे हैं तो आप मंत्र जाप करिए मैं आपको यही कहूंगा आप श्वासों पर ध्यान देने वाला अभ्यास मत करिए आप मंत्र जाप ही करिए जब उसमें थोड़ा परिपक्व हो जाएंगे तो आप श्वासों पर ध्यान देने वाली क्रिया शुरू कीजिएगा ठीक है ध्यान योग का जो कोर्स चलता है वो भी इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ता है लेकिन ये सब प्रारंभिक क्रियाएं हैं जो अतेंद्रिय ध्यान है वो अलग है ठीक है चलिए बृजभान जटाधारी जी गुरु जब विष्णु भगवान सो जाते हैं तो उनकी पूजा करते हैं भगवान नहीं सोते हैं वैसे तो वो अनंत शयनम हैं अनंत में शयन करते हैं लेकिन सूझ वो तो हमेशा ही अनंत में जब शयन कर रहे हैं तो पूजा तो आप करते ही हो तो फिर सो गए नहीं सो गए उससे क्या फर्क पड़ता है पूजा तो आप करो आप अपनी भावनाओं का अर्पण करो ओशो की वीडियो फ्री में है तो लोग जो ऐसा गोल गोल घुमाते हैं वापी जाने भाई साहब ओशो ने फ्री में ध्यान का वीडियो है तो ओशो से जवाब ज्वाइन कर लो बहुत अच्छी बात है ओशो जैसा गुरु भी मिलना मुश्किल है है ना ओशो के पास जाकर ज्वाइन कीजिए गो टू द ओशो आप यहां अपना समय बर्बाद ही मत कीजिए सीधी सी बात क्या मोक्ष अलग होता है और गोलोक धाम अलग होता है गोलोक धाम के बारे में मुझे नहीं पता हाँ मोक्ष का मतलब है जीवत्व से ब्रह्मत्व की यात्रा जीवत्व से ब्रह्मत्व की यात्रा जीव भाव से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाना ब्रह्मलीन होना बाकी गोलोकधाम का रेफरेंस जिस शास्त्र से मिलता है वो बताएंगे कि गोलोकधाम कहां पर है क्या है हाँ परम धाम बता देंगे तब धाम परमम जो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता में धाम परमम गीता के श्लोकों में सद्धाम परम मम की चर्चा है वो पूछ लीजिए बाकी गोलोक धाम की जहाँ से जानकारी लेते अगर आपको मोक्ष नहीं चाहिए आपको गोलोक धाम चाहिए तो आप उन गुरुओं की तलाश करें जो गोलोक धाम दिलवा देंगे आपको अगर आपको योग नहीं करना है क्योंकि तो योग का मार्ग तो कैवल्य का मार्ग है स्वरूप का मार्ग है स्वरूप उपलब्धि का मार्ग है तो आप उस दिशा में जाइए ठीक है। पुष्पा भाटी जी माय स्टडी ओशो ने फ्री में ध्यान का वीडियो है तो पैसा क्यों लेते हो एक तो पहला उत्तर है कि आप ओशो हालांकि उत्तर में ओशो के पास ही जाकर आप ध्यान सीखिए ज्यादा अच्छा आपके लिए दूसरी बात क्या है यहां पर सब काम साफ सुथरा है साफ सुथरा है आपको बता दे आप दक्षिणा देते हैं और आपको ध्यान योग दिया जाता है दैट्स ऑल ठीक है नहीं तो ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं निकेत कुमार जी ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहती है कि हम सब फ्री में देते हैं फ्री में देते हैं फ्री में देते हैं मेरा तो कोर्स लोग ज्वाइन ही इसी कारण से करते हैं क्योंकि तो मैं कुछ लेता हूं आपको ये भी बता दें ऐसे लोग हैं और जिन्होंने ये कहा है या आप लेते हैं देते हैं बात क्लियर नहीं तो देश में धर्म के नाम पर चलने वाली ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो सन 2000 में कहती थी हम तो कुछ लेते ही नहीं है और हम तो कोई बिजनेस नहीं करते हम किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते फलाने बाबा जी चूरन बेचते हैं फलाने बाबा जी ये करते हैं फलाने बाबा जी वो करते हैं और 2010 आते आते 2010 आते आते तथा कथित संस्था जो ये कहती है कि हम बिजनेस नहीं करते वो बिजनेस के अलावा दूसरा कुछ नहीं करती ऐसी अवस्था में ये चरित्र है इसको बोलते हैं चरित्रहीनता दिस इज द characterlessness. लेसनेस यू आर एक्सप्रेसिंग समथिंग एल्स एंड टेलिंग समथिंग एल आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो बोल कुछ और रहे हो और आप हो कुछ और कि हम तो समाज सेवा करते हैं सोशल वर्क, वर्क करते हैं समाज सेवा करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि आपसे बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं निकलता फिर आप हर चीज बेचते हो और अपने चीजों को प्रसाद भी कह देते हो आप गेहूं किराने का सामान भी पूरा बेचना शुरू कर देते हो हाँ ठीक है जो बोल के करता है कि हम बिजनेस करते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट बेचते हैं तो पतंजलि कहती है कि हाँ हम करते हैं बिजनेस जी लेकिन ऐसी संस्थाएं हैं देश के भीतर कि जो एक समय में चिल्ला चिल्लाकर अपने मंच से कहते रहे कि हम बिजनेस नहीं करते हम बिजनेस नहीं करते पता चला कि वो तो टॉयलेट क्लीनर बेच रही हैं तो ग्लास क्लीनर बेच रही हैं और पता नहीं क्या क्या बेच रही है चरित्र कहां गया कैरेक्टरलेसनेस इसी को कहते हैं चरित्रहीनता इसी को बोलते हैं चरित्रहीनता ठीक है क्योंकि आप जो कैरेक्टर दिखा रहे हो उसके अनुकूल आप नहीं हो उसके अनुकूल जो दिखा रहे उसके अनुकूल नहीं हो तो यू आर करेक्टरलेस फ्रॉड कहा जाएगा ठीक है अब तो आप आगे समझ जाइए खुद ही यू अंडरस्टैंड ठीक चलिए तो आगे बढ़े फिर पुष्पा भाटी जी माय स्टडी निकित निकित गुरु जी का भी परिवार है जैसे तुम बिल्कुल हम तो भाई परिवार वाले ही संतोष भाटी आदरणीय गुरु जी प्रणाम गुरु जी मोक्ष क्या और उसका स्वरूप क्या है आत्मा का स्वरूप क्या है जी ये सब बहुत पुरानी बातें हैं निकित जी कई बारे में कई विचारों में हम बोल चुके हैं पहले भी वीडियोज में ये सब बातें क्लियर कर चुके हैं आज आपने पूछा आगे से आप ऐसे विषयों ऐसे प्रश्न करें आध्यात्मिक प्रश्न करें आध्यात्मिक चर्चा करें यहाँ पर जो डेली एक घंटा डेढ़ घंटा जो विचार दिए जाते हैं शास्त्रों पर विचार दिए जाते हैं वह बिल्कुल निःशुल्क ही चलते हैं नहीं तो ऐसे भी लोग हैं ऐसे भी गुरु जी लोग हैं मैं आपको बताऊं ऐसे गुरु जी हैं जो उपनिषद का कोर्स करवाते हैं उसका शुल्क लेते हैं मुझे गलत नहीं लगता क्यों नहीं लगता कि ठीक है वो ये चाहते हैं कि अगर मैं उपनिषदों पर बोलूं तो उपनिषद इतने गंभीर विषय हैं कि उनको जो सुनने वाले आए उनके अंदर गंभीरता हो और रही बात ऑनलाइन मोड में तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन व्यक्ति कैसा है पहले तो हम डिटेल भी नहीं मांगते थे लोगों से लेकिन अब मांगते हैं क्योंकि कुछ ऐसे गड़बड़ टाइप के लोग आए जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया अब तो आपको पूरा डिटेल देना पड़ता है कि हु आर यू ठीक ना तो आपकी ज्वाइनिंग ध्यान योग कोर्स में होती है कि हमें पता होना चाहिए जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो कौन है कहां से है उसका कार्य क्या है उसका प्रोफेशन क्या है ठीक फोटो आईडी के साथ फोटो आईडी नहीं देनी पड़ती लेकिन फोटो देनी पड़ती है तो ये सारा प्रोसेस के साथ ऑनलाइन कोर्स में जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करते हैं और जिन्होंने ज्वाइन किया है वो जानते हैं भली बात ही कैसे ज्वाइन होता है ठीक है तो ये सारी बातें हैं तो विचार कर लीजिए चलिए और एक और बात समझना चाहिए दक्षिणा की जो परंपरा है यह आज की नहीं है यह सांस्कृतिक है यह सांस्कृतिक है दक्षिणा की परंपरा कोई नई बात नहीं है कि मैं ले रहा हूं ठीक है दक्षिणा कई रूप में ली जाती है सेवा करवा के भी ली जाती है कि चल भाई कुछ सेवा कर पहले के गुरु जी लोग राज्यवाजी भी रखवा लिया करते थे जमीन प्रॉपर्टी सब रखवा लिया करते थे नहीं तो नहीं अगर उसके पास है तो उससे सेवा करवा लिया करते थे चल पहले दो साल खट उसके बाद तुझे साधना वादना सिखाई जाएगी अब क्या है कि मुझे भीड़ इकट्ठा नहीं करना निकेत कुमार जी मुझे गैदरिंग इकट्ठा नहीं करना है कि खूब भीड़ हो एक दम जमकर जो है लाखों लोग दिखाई देते हो और मैं लिख दूं आएंगे लाख मैं बोलूं कि आए हैं दस लाख एक गुरु जी ऐसे ही थे उनके छापा जाता था कि भाई चालीस लाख लोग आए थे उनके कार्यक्रम में कहीं पर मैंने कहा कि तो इतने सारे लोग जाते हैं ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूट जाएगा फिर तो मैं जाकर देखा तो लाख लोग शायद मुश्किल से भी पहुंचे होंगे तो वो काम भी नहीं करना है ठीक है तो यहां पर ध्यान योग ही महत्वपूर्ण है और ध्यान योग लोगों को सीखना है तो ये बात आप स्पष्ट कर लीजिए और समझ लीजिए ब्रह्मर्षि प्रणव ट्रू इंडिया इंडियन भगवत गीता में बताए गए ध्यान योग की विधि क्या है क्या कलयुग में केवल नाम जप से ही मुक्ति मिल सकती है नाम का महत्व हमेशा है चहु युगती निकाल तीलो का भय नाम जब जीव विषो का तो दाजी लिखते हैं चारों युगों में है कलयुग में एक विशेष साधन है कि भाई कलयुग के लोगों के लिए भक्ति और ध्यान योग के मार्ग तक पहुंचना मुश्किल होता है तो ठीक है पहले नाम से ही शुरू करो मंत्र से ही शुरू करो शुरुआत तो कर दोगे कम से कम आसानी से आगे बढ़ोगे तो ध्यान भी करोगे योग भी करोगे सब करोगे सब होगा और क्या अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि कलयुग में तो नाम लोग लो, कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय कॉन्सेप्ट को बिगाड़ने का काम शुरू कर देते हैं नाम जप करना भी एक योग है अपने आप में लेकिन वो कहेंगे कि नहीं योग, योग मत कुछ करो बस नाम जपते रहो नाम कीर्तन करते रहो वो सब बाकी बंद कर दो तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते बेचारे और क्या कलयुग में योग योगी पैदा नहीं हुए एक से एक सिद्ध योगी पैदा हुए सबसे बड़ी बात की महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र की रचना की है कलयुग में की है महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र की रचना की है कलयुग में की और तब तक कहीं पर भी ये चर्चा नहीं होती थी कि कलयुग बस नाम हाँ ये 500 वर्षों में पिछले 500-600 वर्षों में जिसको हम लोग कहते हैं मध्यकालीन भक्ति क्रांति उसमें कई ऐसे जो बातें लिखी गई संतों के द्वारा उसमें नाम जब को विशेष रूप से कलयुग में प्रधान बताया गया और वो इसलिए बताया गया बिकॉज दैट इज ईजी टू एक्सेप्ट उसका एक्सेप्टेंस बहुत इजी है इसलिए बताया गया तो कलयुग में लोग तामसी प्रवृत्ति को ज्यादा अपना लेते हैं इसीलिए वो कम से कम नाम जब तो करना आसानी से शुरू कर सकते हैं दैट्स ऑल नहीं तो योग सूत्र की रचना हट युग प्रदीपिका घिरंड संहिता ये सब कब लिखे गए भाई ये सब कोई योग के जो शास्त्र हैं ये सब कुछ शास्त्रों को आप छोड़ दीजिए तो जो योग के जो शास्त्र हैं उनका विकास बाद में महर्षि पतंजलि के बाद जो भी लिखे गए वो योग के ऊपर ग्रंथ लिखे गए और एक से एक योगी हुए सिद्ध महापुरुष हुए कलयुग में हुए हैं ठीक है तो ऐसी कोई विचारधारा नहीं है कि कलयुग में आप योग नहीं कर सकते आप भ्रमित हो रहे हैं मैं जो भी कहूंगा जो इस बात का प्रचार करता है वो कहीं ना कहीं भ्रम पैदा कर रहा है ठीक है तो ये भी समझना है निकित गुरु जी का भी प्रभाज संतोष ठीक है वट इज द साइंस बिहाइंड द शिवलिंग टेम्पल शिवलिंग मंदिर क्यों बनाए जाते थे कल भी हमने बता दिया नो अदर साइंस नो अदर साइंस अगर कुछ लोग कहेंगे कि हाँ शिवलिंग जो बनता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह बनता है आप कह सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत बाद में बनने शुरू हुए न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत बाद में बनने शुरू हुए बहुत तरह के गोडाउन होते हैं कोल्ड स्टोरेज होते हैं, वो भी उसी आकृति में बनाए जाते हैं। टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन करने के लिए तो हम क्या कहेंगे कि वो कोल्ड स्टोरेज से मिलता है जी नहीं तो शिवलिंग के पीछे आध्यात्मिक विज्ञान है शिवलिंग की अगर हम ध्यान योग करेंगे तो शिवलिंग का आध्यात्मिक विज्ञान समझ में आएगा ध्यान योग साधना में बताया जाता है कि व्हाट इज शिवलिंग बाकी जितने भी बातें हैं जितने भी बातें हैं वो सब परिकल्पित हैं जबरदस्ती आप ये को इंसिडेंस है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का शेप शिवलिंग से मिल जाता है कोई इंसिडेंस है ये। बाकी जितना भी अभी मैंने कोई वीडियो देखा कि भाई दूध गिर रहा है तो दूध में ये ये तत्व होते हैं तो वो तो, तो आप जबरदस्ती का साइंस घुसाइए वो इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सारी की सारी कोई बुद्धिजीवी सामने टकरा जाएगा और उसको साइंस की अच्छी नॉलेज होगी तुरंत वो उतार के रख देगा ठीक है तो शिवलिंग खेचरी साधना का प्रतीक है शिवलिंग खेचरी साधना का प्रतीक है ठीक है हेचरी साधना कैसे होती है कैसे करनी चाहिए हमें ध्यान योग में होता है ध्यान योग कोर्से में उसको हम स्पष्ट कर देते हैं कि व्हाट इज शिवलिंगम बाकी जितनी भी बातें हैं हां मंदिरों में शिवलिंग की स्थापना हुई वो भी बाहरी त्राटक क्रिया और बाहरी ध्यान के लिए ही हुई थी उनका भी उद्देश्य था और लिंग रूप में चिन्ह के रूप में शिव की पूजा करना चिन्हित करके जो बाहरी पूजा है जहां हम भावनाओं का अर्पण करते हैं शिव का आवाहन करते हैं उस रूप में उनकी पूजा करना यह भी उद्देश्य है लेकिन वह जो अवस्था है शिवलिंग की वो खेचरी अवस्था है जो कि ध्यान योग से प्राप्त होती है खेचरी अवस्था ठीक है चलिए तो अब इसके पीछे विज्ञान विज्ञान ढूंढेंगे तो कई तरह के आप एक घर बनाते हैं घर के पीछे भी विज्ञान होता है पहले हम लोग के घर बनाए जाते थे वास्तु के हिसाब से बीच में आंगन होता था उसके पीछे भी विज्ञान होता था ठीक है तो अब आप कौन से विज्ञान की बात जानना चाहते हैं वो आई वो मैं मुझे नहीं पता है लेकिन जो मुख्य रूप से शिवलिंग है वो एक आध्यात्मिक अवस्था का चिन्ह है वो शिव का चिन्ह है लिंग मतलब चिन्ह लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर की भी बात आदि गुरु शंकराचार्य ने सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर बताया है विवेक चुड़ामी में लिंग शब्द का प्रयोग आपको लिंग मात्र मात्रम का प्रयोग आपको पतंजलि के योग सूत्र में भी मिलता है तो एक बात बताइए कि पतंजलि का योग सूत्र छोड़ दें आदि गुरु शंकराचार्य का विवेक चुड़ामी छोड़ दें जबरदस्ती का साइंस समझाने लगे और कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसे वीडियो को फॉरवर्ड करके वो बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया बड़ा उनको ज्ञान हो गया है वही बात मैंने कल भी कही थी हाँ, मंदिरों का निर्माण एक विशेष ढंग से होता है जहां पर आपके लिए मेडिटेशन के लिए साधना के लिए उचित स्थान हो ठीक ना जब हम गुंबद बनाते हैं डोम लाइक स्ट्रक्चर जब हम बनाते हैं तो वो जो जगह होती है वहां पर आप अगर चेन्नई जाएंगे तो चेन्नई के पास मद्रास के पास एक मंदिर है जो शिवलिंग की आकृति में बना हुआ है और वहां पर जब मंत्र का उच्चारण होता है मंदिर के अंदर प्रवेश करो जो तो आप शिवलिंग में प्रवेश कर गए चेन्नई में ऐसा एक मंदिर है आप शिवलिंग में प्रवेश कर गए और जब वहां पर मंत्र का उच्चारण होता है तो मंत्र अपने आप उसका इको मिलता है बहुत स्ट्रांग इको मिलता है मतलब कि डबल ट्रिपल इको मिलना शुरू हो जाता है जैसे कि तीन तीन जगह से आवाजें पैदा हो रही ठीक है लेकिन शिवलिंग का जो उद्देश्य है शिवलिंग का जो चिन्ह है वो खेचरी अवस्था का चिन्ह है वो खेचरी आकाश की अवस्था आकाश के गमन जब नाद ध्यान होता है तो योगी का गमन आकाश तत्व में होता है क्योंकि नाद प्रगट ही आकाश तत्व में होता है ठीक है तो आकाश में उसका तत्व में उसका गमन होता है तो वो खेचरी अवस्था उसको उसकी बनती है ब्रह्मरंद्र से जुड़ जाता है वो सहस्रार से जुड़ जाता है उसका सहस्रार जागृत होता है फिर ठीक है तो ये शिवलिंग उस अवस्था का संकेत है उस अवस्था का चिन्ह है शिवलिंग बाकी आप न्यूक्लियर रिएक्टर घुसा दीजिए इधर की बात घुसा दीजिए उधर की बात घुसा दीजिए ये अपना अपना है अब कोई पितर पक्ष पे कोई वीडियो घुमाता है कि भाई वो कौवे खाएंगे बीज उधर डाल देंगे तो वहां पेड़ पैदा हो जाएगा तो प्रकृति की रक्षा हो जाएगी पचास तरह की बातें हैं आप लगाते रहिए तर्क लेकिन रियल फैक्ट कुछ और है और वो हमारे शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है ठीक है तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों का प्रचार वही लोग करते हैं जिनको ना शास्त्रों का सही से ज्ञान है और जिनको साइंस का भी नॉलेज नहीं है ना उनको विज्ञान का सही से साइंटिफिक थ्योरीज का उनको नॉलेज नहीं है और ना ही उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान है कि इन विषयों के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं उसका भी कोई ज्ञान नहीं है तो जबरदस्ती का कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा जैसा विज्ञान फैलाना शुरू कर देते हैं जबरदस्ती का विज्ञान जबरदस्ती की बातें अब कुछ लोग अब एक और विज्ञान फैलाया जाता है कि पीपल का वृक्ष जो है चौबीस घंटा ऑक्सीजन देता है साइंटिफिक रिसर्च पेपर ले आइए कि जहां पर ऐसा प्रूव होता हो कि देता है हाँ ये जरूर है कि पीपल के वृक्ष से पीपल के वृक्ष के जड़ से लेकर पत्ते तक से औषधि बनती है और बनाई जा सकती है जड़ से लेकर पत्ता उसके पूरे वृक्ष से औषधि बनती है उसके छाल का चूरन आप सीतो पलादी चूरन वगैरह खाते होंगे अगर बुखार में सर्दी खांसी में उसमें प्रयोग होता है आयुर्वेद की कई दवाइयों में प्रयोग होता है उसके जड़ का भी प्रयोग होता है उसके पत्तों का भी प्रयोग होता है आयुर्वेदिक औषधि निर्माण में ठीक है उसकी रक्षा तो होनी ही चाहिए तो जबरदस्ती का विज्ञान फैलाने से बाद में अपनी ही हंसी होती है खुद की हंसी होती है फिर तो जबरदस्ती का ज्ञान मत फैलाया कीजिए और एक टाइम पर चला जाता है अफवाह फैलाना जिसको हम बोलते हैं चल जाता है लेकिन आजकल विज्ञान इतना विकसित हो गया है कि भाई सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजों के कारण बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि क्या अफवाह है क्या सत्य है ठीक है तो इसीलिए शास्त्रों का हिंदू समाज में सनातन धर्म में सनातन धर्म धर्मियों के अंदर सनातन बड़ा कमजोर हो गया है उस सनातन को जो ज्ञान रूपी सनातन है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है ठीक ना जो ज्ञान रूपी सनातन है एक एक व्यक्ति के अंदर उस ज्ञान की परिपक्वता आए वो समझे कि हमारे शास्त्र हमें क्या देना चाहते हैं क्या समझाना चाहते हैं छोटी मोटी बातें नहीं कि गीता का कोई श्लोक पढ़ लिया अरे भाई क्या दिक्कत है सात सौ श्लोक है इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ जाते हो सात सौ श्लोकों की गीता पूरी पढ़ने में क्या अगर पूरे जीवन में पढ़ना चाहो तो हजार बार पढ़ जाओ नहीं जी कहीं से कोई किसी ने श्लोक सुना लिया हमने सुन लिया अध्ययन करो समय दो समय तो देना पड़ेगा ना ज्ञान के लिए तो हमारे शास्त्र भी तो कुछ कह रहे हैं हमें कुछ दे रहे हैं उन बातों को हम कितना समझ पाते हैं वो महत्वपूर्ण है ठीक फिर आप विज्ञान को समझोगे विज्ञान को साथ में लेकर आओगे तो जाकर कुछ अच्छी चीज़ निकल पाओगे नहीं तो जबरदस्ती की कई बातें हम किसी चीज की पुष्टि करने के लिए हम करते रहेंगे वो भी ठीक नहीं है हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं जल चढ़ाते हैं हम देवता का सम्मान करते हैं देवता का अभिषेक करते हैं उनका आवाहन करते हैं उनको भोग लगाते हैं हम भाव वृद्धि करते हैं दैट इज द रीजन That's all. यही मीमांसा कहती है यही कहती है। हम उन वस्तुओं का भोग लगाते हैं जो हम स्वयं प्रयोग करते हैं और उसी का भोग लगता है यह भी ध्यान रखिएगा भोग उसी वस्तु का लगेगा जो आपके स्वयं के प्रयोग की है तो हम भावना अर्पित करते हैं हम एक भाव अर्पित कर रहे होते हैं हम उस शिव भाव की वृद्धि करते हैं जब हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं विद्या भाव की वृद्धि करते हैं जब हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धन भाव की वृद्धि करते हैं दिस इज कॉल्ड पूजा दिस इज कॉल्ड यजना ठीक है आप जबरदस्ती का साइंस बताते रहो कि इससे ये होता है वो भी एक साइकोलॉजिकल साइंस है विज्ञान है मनोविज्ञान है कि जब आप अर्पित करते हैं दुग्ध आदि चीजें अर्पित करते हैं तो आपका एक मनोविज्ञान वहां पे कार्य करता है जब आप देवता को दान दे रहे हैं तो पूजा की एक विधि है हम नदियों की भी पूजा करते हैं हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं ठीक है तो चलिए सही भावना को समझने की जरूरत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी गीता में बताए ध्यान की विधि क्या है हो गया अल्पाक्षरेपी बाह्य आर्थ बोधक ठीक है जी गौरव शर्मा जी भास्कर जोशी अनिमेश महतो माय स्टडी सीताराम माली आकाश मजुमदार जी ट्रू इंडियन ट्रू इंडियन ध्यान योग की विधि गीता में या ध्यान योग में करवाई जाती है ध्यान योग की कुछ विधियां गीता में बताई गई हैं ठीक है श्वेता सिन्हा जी द कोर्स ऑफ ध्यान योग इज वेरी वेल डिजाइन इन स्ट्रक्चर्ड वे टू अवॉइड कंफ्यूजन देयर इज अ लॉट ऑफ अवेल फ्रॉम द कोर्स मैनी थैंक्स थैंक यू सो सर जिन लोगों ने भी कोर्स किया है जिन लोगों ने भी कोर्स किया है वो भली भांति जानते हैं कि वो अगर दो हजार रुपए लगाते हैं ध्यान योग के कोर्स में उन्हें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है वो भली भांति जानते हैं दे नो वैल्यू वेरी वेल ठीक है चलिए सुनील राजभर ऋषि प्रणव उत्तम सिन्हा जी सोमू बहुत अभिनंदन है आपका ठीक है तो ये हमें समझ कर चलना है आगे बढ़ना है ठीक है चलिए इसी के साथ विचारों को विराम देंगे और जो लोग ध्यान युग का कोर्स करना चाहते हैं वो दिए हुए नंबर पर ज्वाइन करेंगे इसमें जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर सकते हैं नाइन डबल सिक्स वन एट जीरो टू फोर फाइव नाइन प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करना है तो आप इसी नंबर पर आप ज्वाइन करके आप प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स कर सकते हैं ठीक है तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स आप इसी प्रकार से कर सकते हैं संपर्क करेंगे फोन करेंगे आप प्राकृतिक चिकित्सा के लिए तभी आप कोर्स करेंगे ऐसे नहीं आप सभी का बहुत बहुत आभार